तो अगर प्यारे बच्चों इस वाले सवाल को देखोगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी वेरी, मतलब अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाता हूँ तो उस बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है एक्स प्लस वाई और टी स्क्वायर के, वेयर एक्स एंड वाई आर कॉन्स्टेंट है और टी वेरी मतलब टाइम है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी फॉर ए वन डायमेंशनल मोशन प्रोपोर्शनल टू, मतलब किसके टाइम के साथ वेरिएबल, यहाँ दो वेरिएबल है पी और टी, यहाँ पे वेरिएबल है ठीक है ना, और एक्स एंड वाई यहाँ पे कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे फोर्स लगाओगे वैसे वैसे बॉडी का लीनियर मोमेंटम वेरी करेगा। तो जो फोर्स की वैल्यू होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी पी ओवर डी टी, और पी की वैल्यू एक्स प्लस वाई और टी की स्क्वायर, मतलब ये डेरिवेटिव है तो एक्स कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो, वाई बाहर आ जाएगा टू टी, मतलब जो फोर्स है वो कैसे वेरी कर रहा है टू वाई टी, तो फोर्स लीनियर वेरी कर रहा है और लीनियर मोमेंटम जो है वो पैराबोलिक वेरिएशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका मतलब फोर्स प्रोपोर्शनल टू टाइम टी की पावर वन, ठीक है, मतलब अपना डी ऑप्शन सही बन जाता है। थैंक यू।